सबसे मेरे लिए जो मुश्किल था कि एक ऑर्गेनिक में जाके उस चीज़ को तैयार करना। जब अब ये फ्रूटिंग आई है और मैं अभी लोगों के पास जाता हूँ, उनको खिलाता हूँ, तो काफ़ी मेरे को एक अच्छी प्रसन्नता महसूस होती है। शुरू में लगता था कि लेबर कॉस्ट बहुत पड़ेगी, लेकिन जब ये फ्रूटिंग देख के और इसकी यील्ड देख के तो अब वो लगता है कि कोई दिक्कत नहीं, दो तीन लेबर भी हमें परमानेंट। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम अम्बला में किसान भाई का पास विजिट किया है जिन्होंने ये जो एप्पल बेर का खेती को पूरी की पूरी ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट से कर रहा है, तो इनका साथ आज परिचय कराएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को दिखाएंगे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी कितना अच्छा रिजल्ट आता है कश्मीरी एप्पल बेर से, और इन्होंने इस फार्म में क्या क्या ट्रीटमेंट किया है इसके बारे में भी डिटेल जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। सो नमस्ते सर, आपका नाम बोलिए। मेरा नाम अभिषेक राणा है और मैं गाँव खसीटपुर से, जिला अम्बाला। आपका? लाखू भारद्वाज, गांव चुड़ियाली, जिला अम्बाला। ओके, तो आप ये जो फार्म रेडी किया है तो हम देख पा रहे हैं काफ़ी बढ़िया फ्रूटिंग आया है, एक ही पूरा ऑर्गेनिक में किया है आप? ये बिल्कुल पूरे का पूरा प्लाट ऑर्गेनिक में है जी। तो आप ये जो फार्म रेडी किया है कब से प्लांटेशन किया था? ये हमारा प्लांटेशन है 15 मार्च से, 2020 का 15 मार्च। हाँ जी, तो लगभग एक साल होने वाला है। हाँ जी, अभी एक साल भी मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी 15-20 दिन बाकी। हाँ जी, 15-20 दिन बाकी है। तो इस हिसाब से देखता तो एक साल का पेड़ में अभी तो देख रहे काफ़ी बढ़िया फ्रूटिंग आया है। हाँ, तो ऑर्गेनिक में तो हम देख पा रहे, आपको इसमें क्या होता है, कई कई व्यूअर्स को क्वेश्चन रहता है जो ऑर्गेनिक में फार्मिंग करता तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो आता नहीं, तो आप ये जो फार्मिंग कर रहे हैं इसको कोई भी ऑर्गेनिक की कोई प्रॉब्लम फेस हुआ है आपको आज तक? कोई वैसे अभी तक कोई ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई है फेस मेरे को। अच्छा, ओके। हाँ जी, तो ये जो एप्पल बेर फार्मिंग को ऑर्गेनिक में करके आपको कैसा फील हो रहा है? अभी जब अब ये फ्रूटिंग आई है और मैं अभी लोगों के पास जाता हूँ, उनको खिलाता हूँ, तो अच्छा, काफ़ी मेरे को एक अच्छी प्रसन्नता महसूस होती है कि एक अच्छा काम मैंने किया है। और सबसे मेरे लिए जो मुश्किल था कि एक ऑर्गेनिक में जाके उस चीज़ को तैयार करना। और ये जो नया है इसका ट्रीटमेंट भी अलग होता है? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो इसमें जो ऑर्गेनिक में यूज़ करते हैं क्या क्या चीज़ें आप इसमें यूज़ किया है आज तक? अभी तक मैंने इसमें जो सबसे ज़्यादा मैंने यूज़ किया, हफ्ते में 2 बार मैं नीम का स्प्रे जरूर कराता हूँ। हाँ जी, स्प्रे करता पूरे प्लाट में 1 बार नीम का स्प्रे जरूर कराता हूँ, हफ्ते में 2 बार। ओके, तो हफ्ते में 2 बार नीम का स्प्रे करते हैं? हाँ जी। इसीलिए आपका इसमें पत्ते का शाइनिंग जो भी है, फल का शाइनिंग काफ़ी बढ़िया है। हाँ जी। और साथ ही साथ इसको फर्टिगेशन कैसे करते हैं, मेन जो प्रॉब्लम होता है फर्टिगेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में नॉलेज बहुत ही फार्मर को कम रहता है, तो आज का टाइम में केमिकल यूज़ करते 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 पूरे की पूरी मिट्टी को ख़राब कर रहा है लोग, तो इसको धीरे धीरे फार्मर लोग ऑर्गेनिक में जाने का पहले बहुत डरता है। जो ऑर्गेनिक में जाएंगे उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं आएगा, पूरी की पूरी नुकसान में चला जाएगा, तो इसको आप अच्छा से समझ पाता तो धीरे धीरे फार्मर ऑर्गेनिक में जा सकता है, तो आप लोगों का जो नेचर है इसको मेंटेन हो सकता है। आप थोड़ा सा ऑर्गेनिक में कैसे फर्टिगेशन करते हैं उसको थोड़ा सा बता दीजिए। इसमें हम सबसे ज़्यादा तो जो हम जीवामृत है उसका इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा हमारे पास है डीकम्पोजर। ओके, उसको हमने कंटिन्यूसली इसको यूज़ किया है जब हमने इसको लगाया था। अच्छा, तो एक पर मंथ कितना बार यूज़ करते हैं? पर मंथ ही हमारा 2 से 3 बार हमारा इसमें यूज़ होता है वो। जब भी हम पानी दिया हमने, हर पानी में हमने जीवामृत और डीकम्पोजर उससे नेक्स्ट पानी में। अच्छा, हाँ जी, आप जीवामृत देते हैं? हाँ जी, डीकम्पोजर। डीकम्पोजर देते? हाँ जी। आपको कैसे रेडी करते हैं इसको आप? उसमें बस हम गोमूत्र, हाँ, गुड़। ओके, और उसमें थोड़ा सा उसका गोबर, 5 चीज़ें मिलाते हैं, गोबर, उसका गो का पेशाब, गोमूत्र, गुड़, चने की दाल या कोई भी दाल का चूरा, और थोड़ी मिट्टी किसी छायादार प्लांट के नीचे से लेके, तो जिससे उसमें बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब खेत में डालते हैं तो वो उसके बाद फिर कई गुना मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मतलब आप देखता तो अब 5 चीज़ें लेते हैं टोटल? जी जी जी। एक होता है पेड़, कोई भी पेड़ का नीचे से मिट्टी जी, गुड़ लेते हैं, हाँ जी, गोबर लेते हैं, हाँ, गोबर लेते हैं, हाँ, गोबर लेते, गोमूत्र लेते हैं, हाँ जी, हाँ जी, और एक चीज़ कौन सा है? एक बेसन। ओ अच्छा, दाल का आटा। ओके, दाल का, तो इसको लेके आप एक ड्रम में घोल लेते हैं, 200 लीटर के ड्रम में इसको घोल लेते हैं। ड्रम में घोल के कितना दिन रखना पड़ता है उसको? उसमें गर्मियों में 3 दिन में,
और सर्दियों में 5-6 दिन में तैयार हो जाता है। तैयार हो जाता है। फिर इसको कैसे अप्लाई करते हैं आप? पानी जहाँ से हम पानी का जो सोर्स है उसके पास डाल देते हैं तो सारे खेत में वो फैल जाता है, और कई बार उसकी स्प्रे से भी दे देते हैं उसको। और इसको स्प्रे भी में भी दे सकते हैं? जी जी बिल्कुल। साथ ही साथ हम जीवामृत तो हो गया है, डीकम्पोजर कैसे तैयार करते हैं? डीकम्पोजर तो उसकी एक बोतल आती है वो 20 रुपीज की, बैक्टीरिया का उसको घोल के उसमें भी गुड़ डाल के और एक पूरा ड्रम तैयार कर लेते हैं। अच्छा, और जो स्प्रे का वो सेम ही रहता है सिस्टम, उस हिसाब से आप? हाँ जी हाँ, वो सारे जितने भी हमारे पत्ते हैं ये सबको डीकम्पोज करके और उसको खाद में, बस यही खाद चल जाती है। और साथ में हम जो प्लांट्स की जड़ है उसमें मल्चिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो हाँ उसमें पानी की भी कम जरूरत पड़ती है और जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं वो अच्छे से काम करते हैं। तो हम एक हिसाब करता तो अब जो है जीवामृत और डीकम्पोजर ये दोनों हफ्ते में एक बार करके देता तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी जी जी। ओके, तो हम ये जो फार्मिंग आपने किया है, अब तो प्रोफेशन में मेरे ख्याल से फार्मर नहीं है? नहीं। अब क्या करते हैं प्रोफेशन? मैं पिस्टल शूटिंग कोच हूँ आज की डेट में। अच्छा। और पहले मैंने इंडिया टीम को भी रिप्रेजेंट किया है, इंटरनेशनल प्लेयर भी रहा हूँ मैं इंडिया टीम में जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, और अभी भी खेलता हूँ साथ में। खेलते हैं। हाँ जी। इसमें क्यों है आप? इसमें एक तो ये मेरी पारिवारिक, हम खेती करते आ ही रहे हैं इतने टाइम से, तो अभी जैसे मेरा यहाँ पे 11 एकड़ का प्लाट है तो अभी मैंने धीरे धीरे 1 एकड़ से स्टार्ट किया है, उसको अभी मैं पूरे के पूरे को बाग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ 11 एकड़ को। क्योंकि ज़्यादातर प्रोफेशन जो रहता है, जिन लोगों का जो भी प्रोफेशन, किसी का बिजनेस प्रोफेशन रहता है उसमें ही जाता है, साइड में कुछ भी, जैसे खेती बाड़ी ज़्यादातर आदमी अब जो प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन में कोई भी खेती बाड़ी से मेरे ख्याल से जुड़ता नहीं। पर आप क्यों सोचा है जो एप्पल बेयर फार्मिंग मेरे को करना चाहिए? मेरे को ये था कि कुछ अलग हटके किया जाए। जैसे कि हमारे गांव में अभी जो बाग थे वो लगभग अभी ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा। तो मैं एक बार फिर से शुरुआत करना चाह रहा था कि इसने एक ऐसी शुरुआत हो कि जिसको देख के मेरे को कि लोग भी बाग की तरफ जाएं। हाँ। वो बाग लगाएं, और जो ये एक जीरी लगाना और अपना गेहूं लगाना उसको छोड़ के ना कुछ अलग से करने की उनको सीख मिले। अभी ये जो बाग आपके लिए तो शौक का हो गया, हॉबी हो गया जो बाग करेंगे, पर ज़्यादातर फार्मर के लिए ऐसे भी बाग होता है रोजी रोटी का मेन जगह, तो इसको प्रॉफिट और नुकसान का बात करें तो आपका जो इस बाग में आज तक कितना तक इन्वेस्टमेंट आप किया है? मेरा अभी अगर मैं सारी बाउंड्री वगैरह सब कुछ लगा के, जैसे मैंने तारबंदी वगैरह करवाई है इसको पूरा कंप्लीट, और लेबर लगा के 1 लाख रुपए के आसपास मेरा खर्चा आ चुका है। ये मेरा परमानेंट जो यहाँ पे इसको देखते हैं, हाँ उनकी अगर मैं लेबर भी साथ में कोस्टिंग उनकी लगाता हूँ। अच्छा, मतलब आपका एक मैनेजर का तरह लोग देखभाल करते हैं? जी जी जी। अच्छा, बहुत अच्छा है सर। हाँ जी। और साथ ही साथ आपने ये जो फार्मिंग कर रहे हैं आप 1 लाख रुपए तक खर्चा किया है? हाँ जी, 1 लाख रुपए तक खर्चा, खाद वगैरह सब? हाँ जी सब कुछ। आज के टाइम में देखता तो आपके एक एक पेड़ में कम से कम 30-35 किलो तो आसानी से मिलेगा। जी बिल्कुल, 30 की एवरेज तो हो ही जाएगी। हाँ, तो 30 किलो के हिसाब से भी पकड़ता तो आपका ये जो एक एक कितना पेड़ है? 350 यहाँ पे। हाँ जी, 350 पेड़। हम 350 पेड़ को 30 किलो के हिसाब से भी देखता तो 9-10 टन का करीब आपका फल हो रहा है। जी, 10 टन का करीब जो फल हो रहा है इसको, हम मार्केट कैसा है इसका अभी आपके इधर? मार्केट तो जैसे अभी हमने पिछले 2 दिन से अभी सर्च करना शुरू किया है तो मेरा 50 रुपये के आसपास अभी मैंने इसको सेल करना शुरू कर दिया है। अच्छा, मतलब रिटेल में सेल करें या होलसेल में? रिटेल में तो 70 और होलसेल में 50 रुपीस दुकानदार मांग रहे हैं इसको। मतलब ऑर्गेनिक है बोल के डिमांड सबसे ज्यादा है। जी, और ऑर्गेनिक मतलब सभी जगह में चलेगा? हाँ, रिटेल में ही देना चाहते हैं मैक्सिमम, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। हाँ, तो आपका तो प्लांट कम है तो आपका रिटेल में भी काफी बढ़िया अमाउंट आ जाएगा। हम 40-50 रुपए आप बोल रहे हैं, हम ज्यादा नहीं 30 रुपए के हिसाब से भी पकड़ता जी, जी, जी। आपका 10 टन फल का आ रहा है लगभग 3 लाख रुपए। जी, जी 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 जी। तो आप जो 1 एकड़ जमीन में 350 पेड़ लगाया है इसमें 3 लाख रुपए पहला साल ही आ रहा है, आपको लगता है जो इतना पॉसिबल है दूसरा कोई भी फार्मिंग में? नहीं, नहीं, मतलब भी नहीं है उसमें तो कितने, मतलब 50,000 रुपए दे यहाँ पर 1 एकड़ का ठेका है तो उसमें से 20 या 30 हज़ार रुपये वो बचते हैं मैक्सिमम। ओके, आज का टाइम में ट्रेडिशनल फार्मिंग जो पारंपरिक खेती होता है इसमें लगे पड़ा हुआ है फार्मर। जी जी जी। और उन लोगों को उतना पैसा आता भी नहीं और उन लोगों ने रिस्क लेने के लिए भी डरता है, जो इतना पैसा हम 50,000-40,000 खर्चा करेंगे फिर रिटर्न आएगा या नहीं आएगा, तो उन लोगों को आप क्या बोलना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कुछ अलग से करो लेकिन पूरी मेहनत से करो, देख के सीख के तब करना चाहिए। और इसके साथ साथ 6 महीने तक तो हम इसमें सब्जियां भी बहुत सारी लेते रहे इसमें। आप आज तक अभी 11 महीना हुआ है? जी जी जी। इसमें क्या क्या सब्जी लिया है?
सब्जी हमने 27 टाइप्स की ली थी, लेकिन हमने उसको सेल तो नहीं किया, लेकिन लोग जो भी हमारे फार्म पे आते थे उन सबको हमने सब्जियां खिलाई हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। उसको हाँ, जिसको अगर हम पैसे में कन्वर्ट करें तो कम से कम 20-30 हज़ार रुपये की तो मिनिमम हो ही गई थी वो। नहीं सर, क्या है, पैसा का बात और मन का खुश का बात कुछ अलग नहीं, उसमें बहुत खुशी होती थी। ये बेचारा जो भी हमारा हेल्पर है, ये काम करता है, अच्छा। तो इसकी ड्यूटी थी कि जब भी कोई आया उसको एक स्नैप पूरा पैकेट करके दे देना सर। बहुत अच्छा है आपका, पास फर्स्ट टाइम सुन रहा है जो लोगों को सेवा जैसा कर रहे हैं आप, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। तो बहुत अच्छा लगा आपका फार्म में विजिट करके, और जिन लोगों ने अभी केमिकल के ऊपर फार्मिंग कर रहा है उन लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि केमिकल में फार्मिंग करते 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 हम देखा है, इस दिन हम दिल्ली का गुड़गांव में गया था जी, तो उधर नाइट्रोजन मिट्टी में यूज़ करते 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 ज़मीन को पूरा ख़राब कर दिया है, अभी कोई भी खेती भी होना मुश्किल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जिन लोगों ने केमिकल के ऊपर खेती करते हैं उन लोगों को कुछ बोलना चाहते, संदेश देना चाहते? हम तो चाहते हैं कि नेचुरल फार्मिंग पे आओ और अपना देसी जे खाद मल्चिंग 3-4 चीज़ें करनी है तो 1-2 साल के बाद आप उसके बराबर ही यील्ड लेंगे, उससे भी ज़्यादा लेंगे, और जो आपकी फसल की क्वालिटी होगी, चाहे वो सब्जी है चाहे फ्रूट्स हैं, वो अलग ही होंगे। जैसे हम मतलब गुड़ शक्कर भी अपना गन्ने का जो बेचते हैं वो 100 रुपये और 120 रुपये बेचते हैं, जबकि मार्केट में 30 से 50 रुपये तक उनका रेट है। तो ऑर्गेनिक का आने वाला टाइम भी ऑर्गेनिक का है, अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल चाहिए तो उसमें ऑर्गेनिक ही चलेगा। हाँ, आपने सही बोला है, क्योंकि ऑर्गेनिक में आप देखते तो इन्वेस्टमेंट भी देखता तो ऑर्गेनिक में बहुत कम है। हाँ जी, जैसे केमिकल का खाद जो है अभी मतलब बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो उस हिसाब से ऑर्गेनिक देखता तो आप खुद तैयार कर सकते हैं, आपका मन करता है। शुरू में लगता था कि लेबर कॉस्ट बहुत पड़ेगी, लेकिन जब ये फ्रूटिंग देख के और इसकी यील्ड देख के तो अब वो लगता है कि कोई दिक्कत नहीं, 2-3 लेबर भी हमें परमानेंट रखने पड़े तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। ओके ओके, ठीक है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने मिल के बहुत अच्छा है कि इन्फॉर्मेशन दिया है जो फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ऑर्गेनिक में काम कीजिए, जो आप आज का टाइम में देख सकते हैं ऑर्गेनिक में ज़्यादातर फार्मर डरता है, पर ऑर्गेनिक ही मेन चीज़ होता है जो फार्म को बहुत लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।